नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं हमारा अपना टीवी आवाज जुम के खिलाफ। तो खबर देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लखनऊ डिप्लोमा इंजीनियर्स लोक निर्माण विभाग संघ भवन राष्ट्रीय ग्राम प्रधान संगठन के संस्थापक स्वर महावीर शर्मा जी की 14वीं जयंती को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी की अध्यक्ष ने मनाई गई, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे, दिनेश चंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने पुष्पांजलि समर्पित कर दिग्गज स्वर महावीर दत्त शर्मा श्रद्धांजलि समर्पित किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों आपसी एकजुटता, अपने अधिकारों तथा ग्राम प्रधानों पर बढ़ते उत्पीड़न पर गहन चर्चा हुई। प्रदेश में किसी भी ग्राम प्रधान के साथ यदि उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन के साथ अत्याचार करने की कोशिश करेगा, संगठन को निरंकुश करने की कोशिश करेगा, ये तय है। निश्चित तौर पर इस संगठन सभी शादी जो मंच में है प्रदेश के पदाधिकारी बहुत सारे पदाधिकारी का नाम लिया जाए, सर आज का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहा, किस उद्देश्य से श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया, किसका? आज स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा जी, जो कि इसके राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के संस्थापक हैं, उनकी 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई, लेकिन साथ ही साथ संगठन के बारे में भी विचार विमर्श हुआ और प्रधानों के, प्रदेश भर से आए हुए प्रधानों के समस्याओं पर विचार हुआ। एक मांग पत्र बनाया गया है, उस मांग पत्र के माध्यम से सारे जिला अधिकारियों को एक मांग पत्र पेश किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी, ताकि जो तमाम समस्याएँ जो ग्राम प्रधानों की हैं उनको पूरा कराया जाए। साथ ही साथ एक ये भी निर्णय लिया गया कि एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया जाएगा प्रदेश भर में, जिसमें कि ये गांव सरकार बनाने के लिए जो 29 विभाग संविधान ने दिया है, संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को मांग की गई, वो सारे 29 विभाग उनको दिए जाए और जो वित्तीय वित्त है गांव पंचायतों के लिए वो सीधे गांव के खाते में पूरे 29 विभाग चलाने के लिए भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन ये 2024 में लोकसभा चुनाव है उसके पहले किया जाए।